दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। गोहाना के आसपास के क्षेत्र में घने कोहरे की चादर छाई रही। कोहरे से जहां तापमान में गिरावट आई, वहीं कोहरे के चलते आम लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ा और दिन के समय भी वाहन चालक अपनी गाड़ियों की लाइटें जलाकर धीमी गति से चलते हुए दिखाई दिए। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत ही कम दिखाई दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि कोहरे के चलते उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सर्दी अब के बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी हुई है और लोग फिर भी बाहर निकल रहे हैं कुछ भी काम के लिए, लेकिन बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। कोहरे में कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ है। परेशानी हो रही आने जाने में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आने जाने में, लेकिन जरूरी काम है, किसी की ड्यूटी है, कोई काम है, सब फिर भी निकल रही है आराम आराम से। गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है। कितने बजे से बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो रही है। दृश्यता बिल्कुल ही 100 मीटर पे आके रह गई है और आने जाने में और साधनों में आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ सामना करना पड़ रहा है। हादसे ही बढ़ जाते हैं सर? हाँ, इससे हादसे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और एकदम धुंध पड़ने से हादसे बढ़ने का बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। कुछ दिख रहा है कितनी दूर से? 100 मीटर इधर से तो आप देख सकते हैं, बिल्कुल 100 मीटर। तो गाड़ियां स्लो चल रही होंगी, लेट हो रहे होंगे? बिल्कुल स्लो है और स्लो चलाने में ही फायदा है। अगर हम स्लो चलाएंगे तो जीवन बचा रहे।